वेरी 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 गुड इवनिंग, मेरे घर पे तो शाम हो रही है। आप जब वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है कि सुबह का टाइम हो, या ये भी हो सकता है कुछ बच्चे रात में वीडियो देख रहे हो, जब रात में वो सो रहे हो फिर उनको ऐसे डर लगे कि यार इस बार तो MCQs आएंगे, इस बार तो कुछ कैसे करें। तो आप फटाक से 5 मिनट ये लिंक खोल के आराम से वीडियो देख सकते हो। तो चलो, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? वी हैव डन 60 questions, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि लाइफ प्रोसेस है आपके सिलेबस का पार्ट। अब लाइफ प्रोसेस में इतने सारे लाइफ प्रोसेस हैं कि बहुत बार भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, कभी इधर से घुमा के पूछ लेगा, कभी उधर से घुमा के पूछ लेगा, कभी वर्ड उसका चेंज कर देगा, कभी उसका नाम बदल देगा, कभी क्वेश्चन को पूछने का अंदाज बदल देगा। चीजें सब वही हैं, कॉन्सेप्ट वही है, फैक्ट वही है, बट क्वेश्चन को पूछने का, ऑप्शंस को देने का तरीका अलग है। तो उतने ही तरीकों को हम इन सारे MCQs में पढ़ लेंगे, ताकि हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो हमें कोई डाउट ना रहे। तो चलो, पैनक्रियाटिक जूस Does not contain following enzymes. चलो भाई, पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से निकलता है, पैनक्रियास स्टमक के ऊपर सिचुएटेड होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक है, तो ऐसा नहीं है कि लीफी है, ऐसा अज्यूम करते हैं हम कि उसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक होता है। तो देखो, ये पैनक्रियास से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस, बट पैनक्रियाटिक जूस, अगर जिसने लास्ट वीडियो देखा हो, सीधा सीधा बताओ, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों किधर जाएंगे? इंटेस्टाइन में। तो जब ये जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ठीक तो है ये बात, बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? पैनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन फॉलोइंग एंजाइम्स। अच्छा, तो इसमें से हमें चूज करना है क्या नहीं कंटेन करता है। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या कंटेन करता है। तो ट्रिप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, टाइलीन भी होता है। अब टाइलीन क्या होता है? टाइलीन होता है सलाइवरी अमाइलेज। अनदर नेम ऑफ अमाइलेज दैट इज प्रेजेंट इन माउथ इज टाइलीन। तो टाइलीन एंजाइम भी थोड़ा सा होता है, ताकि जो बचा हुआ स्टार्च हो उसको ब्रेक डाउन कर सके। तो अब ऐसा मत सोचना कि आप जो है इस ऑप्शन को करेक्ट कर दो, नहीं। टाइलीन जो है अमाइलेज, वो माउथ में तो होता ही है। अब इसको यहाँ पे मैं सलाइवरी वर्ड अगर हटा देती हूँ, तो ये केवल बन जाएगा अमाइलेज। तो अगर ये रिलीज हो रहा है, सपोज अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि डज नॉट कंटेन, तो ये तीनों जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे तो होते ही हैं। तो कौन सा डज नॉट कंटेन, तो हम लगा देंगे नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62, द पैनक्रियास पोर देयर सिक्रीशन इनटू, इसमें तो ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। द पैनक्रियास पोर देयर सिक्रीशन इनटू, तो कहां पोर करेगा? वो पोर कर देगा सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास बाइल पोर देयर सिक्रीशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इजी। क्वेश्चन नंबर 63, किडनी आ गया भाई। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं। रेस्पिरेशन, नहीं। एक्सक्रीशन, हाँ। सर्कुलेशन, नहीं। न्यूट्रिशन में आ जाएगा हमारा मेन स्टमक है, हो गया, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कनाल्स। रेस्पिरेशन में हमारे पास लंग्स है, हमारा हीरो। सर्कुलेशन में हमारे पास हार्ट है, बट क्वेश्चन तो यहाँ पूछा है किडनी का, तो किडनी होगा रिलेटेड एक्सक्रीशन से। डन 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 डन, बी क्विक एवरीबडी, क्विकली। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमैटल पोर, तो पहले तो बना लो भैया स्टोमैटा। पहले क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे स्टोमैटा। सो स्टोमैटा ऐसे गार्ड सेल्स की तरह होगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये हो गया स्टोमैटल पोर, स्टोमैटल पोर, ये दोनों हो गए गार्ड सेल्स। तो स्टोमैटल पोर ओपन करेगा, क्लोज करेगा। अब देखो, ऐसे हो गया ओपन, कहाँ से दिखेगा? ऐसे देखो मेरी आंख में, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। तो जब ये वाला तो ओपन डायग्राम दिख रहा है, और इसको क्लोज वाला अगर मैं बना दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो, ये हो गया गार्ड सेल्स, ये हो गया स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर जो है वो एकदम ऐसे श्रिंक सा दिखा रहा है, तो ये हो गया क्लोज।
ठीक, तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, वाटर, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर तो नहीं होगा इसका, ओपनिंग क्लोजिंग से कोई लेना देना नहीं, ये ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करेगा. CO2 और ऑक्सीजन से भी कुछ ऐसा लेना देना नहीं है कि उसके वजह से ऐसे टर्जिड हो जाए या उसके वजह से ऐसे फ्लैसिड हो जाए, ना. सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे वाटर. वाटर प्रेजेंट है तो ऐसे फूल जाएगा, वाटर निकल गया तो श्रिंक कर जाएगा. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 65. इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड बाई. घुमा के पूछ लिया है क्वेश्चन. तो देखो, पेप्सिन जो होता है वो पी से होता है, उसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो ये निकलेगा हमारा स्टमक से सबसे पहले. ट्रिप्सिन जो होगा वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बट वो निकलेगा, वो आता है इंटेस्टाइन में, बट आता कहाँ से है, कहाँ से आता है, वो आता है पेनक्रियास से. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन वो होगा स्टमक एंड पेनक्रियास. अंडरस्टूड. बाकी क्या है, पेनक्रियास ठीक है, लीवर तो बाइल जूस रिलीज करेगा, उसमें ट्रिप्सिन नहीं होगा. पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर लीवर का पार्ट होता है, तो ये भी, इसको भी हम सही नहीं मानेंगे. स्टमक के बारे में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्टमक ही रिलीज करता है पेप्सिन, तो ये वाला ऑप्शन इन्हीं दोनों में होगा कंफ्यूजन. तगड़े कांटे की टक्कर सी एंड डी में, बट टक्कर रह नहीं जाएगा, जैसे ही हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे वो ऑप्शन फुस्स हो जाएगा. फुस्स मतलब सुटली बॉम, जो कि किसी काम का नहीं है. तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. लो, अब मैंने टिक लगा दिया. जिनको कंफ्यूजन हो रही थी, बहुत ज्यादा लिख दिया था मैंने. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल. अब बाइल जूस तो होगा लीवर से सिक्रीट, अब कौन सी बात इसमें सही बोली गई है बाइल के लिए. सिक्रीटेड बाई डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर. सिक्रीटेड बाई लीवर एंड स्टोर्ड इन द बाइल डक्ट. देखो, लीवर ऐसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, मैंने येलो कलर यूज किया है, और इसके अंदर एक होता है ग्रीन कलर का गाल ब्लैडर, जो कि स्टोर करता है बाइल को. तो इसमें जैसे बाइल जूस है, ये जैसे लीवर है, इसमें बाइल जूस है, तो ये बाइल जूस इसमें नहीं रह जाएगा, ये सीधा कहाँ जल जाएगा, अपने स्टोरेज के लिए ये भाग जाएगा. भाग के कहाँ जाएगा, ये भाग के जाएगा गाल ब्लैडर के पास. ठीक है, ऐसे. सिक्रीटेड बाई लीवर एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लेडर. सिक्रीटेड बाई गाल ब्लेडर एंड स्टोर्ड इन द लीवर, नहीं. स्टोरेज ऑर्गेन लीवर का हमेशा गाल ब्लेडर ही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमेशा ही सही रहेगा. सब बच्चे हंस दो, स्माइल कर दो. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाई सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज मतलब सलाइवा की बात हो रही, जो माउथ में होता है. माउथ में सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज में. अब आपको खोजना है स्टार्च कहाँ है. प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट. अरे बाप रे बाप, अब तो स्टार्च है ही नहीं ऑप्शन में, अब क्या करेंगे मैडम. सर तो पढ़ाए ही नहीं थे, बस यही पढ़ाए थे स्टार्च माल्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं ऑप्शन में. तो है ही नहीं जब ऑप्शन में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो नन ऑफ दीज होना चाहिए. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में ही हमारा आंसर छुपा है, वो किसी और नाम से हो सकता है. तो अब देखो, जो स्टार्च 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 आप लोग हल्ला करके रखे हो, जो कि स्टार्च हमारा ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में, जो कि काम है सलाइवरी एमाइलेज का. ये स्टार्च रिजर्व फॉर्म होता है प्लांट में, या फिर आप समझ लो एक तरीके प्लांट में ये रिजर्व फॉर्म में होता है, और हम जो फूड खाते हैं अगर उसमें हमें स्टार्च मिल गया है तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है. तो ये स्टार्च है क्या, एक्चुअली स्टार्च है क्या. जैसे मैं बोलूँ मुझे किटकैट बहुत पसंद है, और मेरी फ्रेंड कहती है मुझे डेयरी मिल्क बहुत पसंद है, बट ये दोनों हैं क्या. किटकैट और डेयरी मिल्क हैं दोनों चॉकलेट, दे ऑल आर कमिंग अंडर चॉकलेट कैटेगरी. सो स्टार्च हो जाए चाहे ग्लाइकोजन हो जाए. ग्लाइकोजन ह्यूमंस एंड एनिमल्स में पाया जाता है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है. बट जो हम फूड खाते हैं, जैसे हमने प्लांट खा लिया कोई, जैसे मैंने सपोज मैंने स्पिनच खा लिया, स्पिनच में स्टार्च होगा, तो उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है माल्टोज में, तो सलाइवरी एमाइलेज आएगा. ये सब कथा कहानी कर ली. बट जैसे मैंने बोला था किटकैट एंड डेयरी मिल्क दे बोथ आर चॉकलेट, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दे बोथ आर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये होगा कार्बोहाइड्रेट्स. डन. कितना इजी है, हलवा है हलवा. वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड. प्रोटीन को पहले कहाँ डाइजेस्ट होना है,
इनका फेट हो गया है, इनकी किस्मत लिखा चुकी है। सबको पता होना चाहिए कि प्रोटीन के डाइजेशन का किस्मत क्या होता है। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड, तो प्रोटीन सबसे पहले 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 जाएंगे माउथ में। माउथ में तो अमाइलेज है, वो तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन को तो कोई पूछेगा ही, प्रोटीन को कह रहे चलो भाई आगे बढ़ो, तुम्हारा प्लेटफॉर्म आगे है। फिर प्रोटीन बेचारा जाएगा एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस करते हुए, वहां भी कि यहाँ पे तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है, फिर वो सीधा पहुंचेगा स्टमक में। तो प्रोटीन जो होंगे सबसे पहले डाइजेस्ट होंगे स्टमक में, जहां पे रिलीज होगा एक एंजाइम दैट इज नोन एज पेप्सिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टमक। अब चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69 पे मूव कर गए हैं हम लोग जल्दी 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 जल्दी। विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद फूड। वही क्वेश्चन, वही कहानी, वही फैक्ट, वही कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज। अब बिना ज्यादा पढ़े, ऐसा नहीं है पढ़ना तो पड़ेगा ही, आँख का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा बिना कंफ्यूज हुए सीधे आपको क्या करना है, टिक कर देना है सलाइवरी अमाइलेज। ऐसे आंख बंद करके ऐसे टिक मार दो, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो बाद में मिलेंगे, सबसे पहले आपका आपके फूड का मुलाकात सलाइवरी अमाइलेज से होगा जो कि माउथ में ही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स आर, अभी तो मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट रिजर्व हो जाता है, ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट्स की बात हो गई, तो जो रिजर्व होता है वो होता है स्टार्च। और अगर मैं हेटरोट्रॉप्स की बात कर लेती या मेरा क्वेश्चन घुमा के होता हेटरोट्रॉप दैट इज ह्यूमन दैट इज एनिमल, अगर इसमें पूछ लेता सेलुलर एनर्जी रिजर्व क्या है तो हो जाता ग्लाइकोजन। चूंकि क्वेश्चन केवल ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहा है मतलब प्लांट्स की बात कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, हमने कर लिए 70 क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए, ताकि आपका रिविजन किसी भी तरीके से पॉज होने ना पाए। तो एवरीबडी लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।